बल्कि हम जिस वक्त भी निकाह करें, जिस महीने भी निकाह करें और जिस घड़ी भी निकाह करेंगे, जब सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, तो वो सब हमारे लिए शुभ है। अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर हमारे लिए वो निकाह वो जो है हो सकता है कि उसमें बेबरकती हो, लेकिन जो निकाह सुन्नत के मुताबिक होते हैं, तो चाहे जब भी ये निकाह हो मेरे भाइयों, उसके लिए किसी घड़ी के हवाले से कभी भी आप ये बात ज़हन में न लाएं कि इस वक्त की वजह से ऐसा हुआ या इस महीने की वजह से ऐसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिलहु फला हादियलह وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। محترم भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, शव्वाल का ये महीना, इस महीने में आप देखते होंगे कि बड़ी कसरत से शादियां भी होती हैं। इस लिहाज से ये महीना रमज़ान के बाद शादियों के हवाले से भी जाना जाता है। एक वक्त ऐसा गुज़रा हुआ था जब लोग शव्वाल के महीने में निकाह करना, शादी करने को अशुभ मानते थे। मैं यहाँ की ज़बान इस्तेमाल करूँ तो अशुभ जो है लफ्ज़, वो लोग उसको जो है नहुसत की बात करते थे, यानी उससे बुरी फाल लिया करते थे। तो उनके यहाँ ततय्युर का लफ्ज़ अरबों के यहाँ उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो वो लोग जाहिलियत में शव्वाल के महीने में शादी करने को अच्छा नहीं समझते थे, एक अकीदा था उनका। क्योंकि शव्वाल का ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में, ये लफ्ज़ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसको सामने रख करके वो लोग ये नहुसत वाली बात कहते थे, यानी बदफैली लेने वाली वाली बात जो है, बदफाली लेने वाली बात जो है, बुरी फाल लेने वाली बात वो किया करते थे। मैं ये सारे अल्फाज छोड़ दूँ तो यहाँ की ज़बान में कहना हो तो अशुभ मानते थे शव्वाल के महीने को शादी के लिए। वो समझते थे कि अगर शव्वाल के महीने में निकाह किया गया, किसी की शादी की गई, तो वो शादी बेबरकती पर ख़त्म होगी, बरकत नहीं होगी उसके अंदर, वो शादी और वो निकाह निभ नहीं पाएगा और शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत कायम नहीं हो पाएगी। इस तरह का उनका अकीदा था, क्योंकि शव्वाल के लफ्ज़ में ये मीनिंग पाई जाती है। असल शव्वाल या अरबी ज़बान का लफ्ज़, उसके अंदर ये मीनिंग पाई जाती है। इस्तेमाल करते थे अरबों के यहाँ इस लफ्ज़ को ऊँटनियों के लिए, और ऊँटनियों के लिए कब इस्तेमाल करते थे इस लफ्ज़ को, शाल जो है इसमें शव्वाल में जो ये लफ्ज़ है, ये शीन वाव लाम ये हरूफ है, इसको इस्तेमाल करते थे जब कोई ऊँटनी गाभन हो जाती थी, यानी कह लीजिए कि उसके पेट में बच्चा है
और उसकी वजह से अब वो दूसरे ऊंट को अपने करीब आने नहीं देती है। अगर कोई ऊंट उसके करीब जाता है तो वो अपनी दुम हिलाती थी। इसके असल माने वही होते हैं, अपनी दुम उठाना जो है, हिलाना, जिसका इशारा होता था कि ये ऊंटनी अब इसके लिए तैयार नहीं है और ये हामिला है, गाभन है, इसके पेट में बच्चा है, और दूसरे ऊंट के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं समझती थी, वो अपने आप को उसे रोक देती थी, मना कर देती थी। तो अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ के अंदर ये माना पाया जाता है। बल्कि बाज़ लोगों ने ये भी लिखा है, बल्कि पुरानी किताब, जो सबसे ज़्यादा पुरानी किताब अत्तबक़ात अल-कुबरा इब्ने साद की, बहुत पुरानी किताब है ये इस्लामी तारीख के हवाले से, और दौरे जाहिलियत में जो अरबों के यहाँ रिवाज था उसके हवाले से ये बड़ी पुरानी किताब मानी जाती है। अत्तबक़ात अल-कुबरा कहते हैं, इब्ने साद उसके मुअल्लिफ हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में तो ये भी लिखा है, ये जिक्र किया है कि शव्वाल के महीने में जाहिलियत में लोग निकाह नहीं करते थे, और इस्लाम आने के बाद भी इस तरह की बातें बाज लोगों के यहाँ पाई जाती थी कि वो शव्वाल के महीने में निकाह को अशुभ मानते थे, यानी ये समझते थे कि अगर इसमें निकाह हो गया तो बेबरकती होगी। उसकी वजह ये समझते थे उनके यहाँ के शव्वाल के महीने में, उन्होंने जो लिखा है वो बात बयान कर रहा हूँ, अत्तबक़ात अल-कुबरा इब्ने साद की जो मशहूर किताब है उसमें जो बात लिखी हुई है वो बात जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि वो ये समझते थे कि शव्वाल के महीने में एक मरतबा एक साल ऐसा हो गया कि शादियाँ हुई और शादी के मौके पर ताऊन की बीमारी ऐसी फैली लोगों में, एक ऐसी बीमारी आई कि जिसमें घर की घर तबाह हो गए। शौहर और बीवी जिनके निकाह हुए वो सब की सब जो है उसमें उनका इंतकाल हो गया, मर गए, किसी शौहर का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, वो शादियां निभ नहीं पाई, और उसी तारीख के बाद से अरबों के यहाँ शव्वाल के महीने में निकाह को अशुभ माना जाने लगा। यानी अगर किसी ने शव्वाल के महीने में निकाह किया तो फिर वो निकाह बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं तारीख में लिखी हुई है, बयान की गई हैं, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीस है उससे भी ये पता चलता है कि अरबों के यहाँ ये अकीदा पाया जाता था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल व बना भी फी शव्वाल फ़ैयो नसा एही अहज़ा इंदहु मिन्नी। जब किसी शख्स ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के सामने जिक्र किया कि शव्वाल के महीने में अगर कोई निकाह करता है तो निकाह में बड़ी बेबरकती हो जाती है, तो ये शव्वाल का महीना अशुभ है निकाह के लिए, जब ये बात किसी ने कही तो उसी मौके पर उन्होंने ये हदीस बयान की थी। उन्होंने कहा कैसे ये बात कहते हो, इनकार किया उसका, कैसा ये बात कैसे कहते हो, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझसे निकाह, मुझसे शादी आपने शव्वाल के महीने में ही की थी। तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल, शव्वाल के महीने में निकाह किया, और निकाह के फौरन बाद रुख्सती नहीं हुई थी, वो आप जानते हैं कि अभी इनकी उम्र कम थी जिसकी वजह से फौरन रुख्सती नहीं हुई। बालिग होने के बाद जब इनकी रुख्सती हुई, अपने शौहर के घर गई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इनको रुख्सत किया गया, तो वहाँ पर भी कहती हैं ये कि वह बना भी फी शव्वाल, वो भी शव्वाल के महीने में, रुख्सती भी जो हुई थी वो भी शव्वाल के महीने में हुई थी, शव्वाल के महीने में रुख्सती हुई, ये अपने शौहर के घर गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई, और फिर उसके बाद कहती थी फ़ैयो नसा इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ा इंदहु मिन्नी। आप सब लोग ये बात जानते हैं, वो कहती थी सहाबा से कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई भी ऐसी बीवी नहीं थी जिसकी मोहब्बत
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुझसे ज़्यादा हो। जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, उनकी मोहब्बत मुझसे ज़्यादा पाई हो। ऐसी कोई बीवी नहीं थी, ये सब जानते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की और उसके बाद जितनी भी आपने शादियाँ की, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करते थे। ये बात हर कोई जानता था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इशारा कर दिया कि मेरा निकाह भी हुआ शव्वाल के महीने में, मेरी रुख्सती भी हुई शव्वाल के महीने में, और आप देख रहे हैं कि मैंने अपने शौहर के साथ यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी है, जो हैप्पी मैरिज लाइफ मैंने गुजारी है, वो किसी और ने नहीं गुजारी है। इसलिए ये तसव्वुर करना कि शव्वाल के महीने में निकाह हो जाए या शादी हो जाए तो उसमें बेबरकती होती है या निकाह के लिए ये अशुभ है, ऐसा कोई भी तसव्वुर या कोई भी अकीदा रखना ये गलत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी सख्ती से ये बात अपने जो है लोगों के दरमियान रखती थी, बयान करती थी। बल्कि उन्होंने ये भी तरीका अपनाया, जैसा कि सही मुस्लिम की एक रवायत में यह बात है कि वो अपने घर में जब उनके किसी की शादी होती थी तो घर में, अब इनका अपना एक मकाम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी ये, और उस लिहाज से ये उम्मुल मोमिनीन थी, मोमिनीन की माँ थी ये, इनका अपने घर में भी एक मकाम था, एक ऊँचा मकाम था। उस लिहाज से भी घर के अंदर कोई शादी, कोई भी चीज़, आज भी वैसे ही होता है कि घर में कोई बड़ा होता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं, जो कहते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम भी इनके ख़ानदान में बड़ा ऊंचा था, तो जो ये कहती थी इनके घर वाले तस्लीम करते थे, मानते थे। तो ये अपने घर में जब कोई निकाह का मसला होता तो शव्वाल के महीने में रखवाती थी। इनको ये चीज पसंद थी कि शव्वाल के महीने में ही निकाह हो। क्यों ऐसा था? इसलिए कि जो ये अकीदा है उस अकीदे पर रद्द है इसके अंदर। ये जो गलत तसव्वुर कायम किया गया है कि शव्वाल का महीना निकाह के लिए अशुभ है, तो उस पर चोट पड़ती है जब शव्वाल के महीने में खास तरीके से निकाह कराया जाए या निकाह रखा जाए। तो ये उस जमाने के लिहाज से मेरे भाइयों बात थी, जब इस तरह का उनके यहाँ अकीदा था। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात को बेहतर समझती थी कि इसी शव्वाल के महीने में निकाह रखा जाए, और उनके घर में इस तरह से वो किया करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि शव्वाल का महीना ये निकाह के लिए शुभ है, ये भी नहीं है मेरे भाई। यानी कभी होता है कि एक चीज पर आदमी रद्द करने जाता है तो दूसरी एक जो है गलत चीज सामने आ जाती है। यानी हम ये जो है रद्द करने गए कि ये जो अशुभ मानते हैं गलत है ये, तो हम ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं ये शुभ है, पूरे 12 महीने में अगर शव्वाल के महीने में निकाह किया तो ये शुभ घड़ी है उसके लिए, निकाह के लिए। मैं यहाँ की जबान में बात आपसे कर रहा हूँ, शुभ और अशुभ घड़ी जो यहाँ कहा जाता है, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि जब मौका हो निकाह का उसी महीने में उसी वक्त निकाह किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने निकाह किए सब शव्वाल में थोड़ी ना किए थे, बल्कि जब मौका हुआ, जिस महीने में मौका हुआ आपने निकाह किया। आपने अपनी बेटियों का निकाह भी शव्वाल का महीना खास तरीके से इख्तियार करके नहीं किया था, आपने जब मौका हुआ, जिस वक्त मौका रहा उस वक्त जो है शादी कर दी। क्योंकि हमारे लिए पूरे 12 महीने भी शुभ हैं, कोई भी घड़ी हमारे लिए अशुभ नहीं है। ये हमारे रब का बनाया हुआ वक्त है, ये हमारे रब का दिया गया वक्त है। ये चाहे दिन हो, चाहे साल हो, चाहे महीने हो, जो भी है ये सब की सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। दिन के वक्त भी निकाह हो, दिन के वक्त बीवी अपने शौहर के घर आ जाए, कोई बात नहीं, ये सब की सब शुभ है हमारे लिए। हमारे यहाँ अशुभ का कोई तसव्वुर नहीं है।
यानी नहुसत का कोई भी हमारे दीन में, हमारे मजहब में इसका कहीं भी कोई जो है मेरे भाइयों, नहुसत और बेबरकती किसी महीने, किसी साल, किसी दिन, किसी वक्त के ताल्लुक से इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हर दिन हर घड़ी हमारे लिए शुभ है। जो ये भी बात जगहों पे होता है कि दिन के वक्त में रुखसती को अच्छा नहीं समझते। शादी हो तो लड़की की रुखसती रात में होनी चाहिए, अपने शौहर के घर जाए तो रात को जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की तो उस वक्त भी जो रुखसती हुई थी वो दिन के वक्त रुखसती हुई थी, शादी के बाद 3 साल के बाद रुखसती हुई थी और वो दिन के वक्त में ही रुखसती हुई थी। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामी लिहाज से हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे भाइयों कि कोई घड़ी शुभ हो कोई घड़ी अशुभ हो, ऐसा नहीं। बल्कि हम जिस वक्त भी निकाह करें, जिस महीने भी निकाह करें और जिस घड़ी भी निकाह करेंगे, जब सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो वो सब हमारे लिए शुभ है। अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर हमारे लिए वो निकाह वो जो है हो सकता है कि उसमें बेबरकती हो। लेकिन जो निकाह सुन्नत के मुताबिक होते हैं तो चाहे जब भी ये निकाह हो मेरे भाइयों, उसके लिए किसी घड़ी के हवाले से कभी भी आप ये बात जहन में न लाएं कि इस वक्त की वजह से ऐसा हुआ या इस महीने की वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि आगे चल करके हमारे इस मुल्क के अंदर भी और बाज़ दूसरे मुल्कों में भी ये चीज़ पाई जाती है, कभी ये जो है शवाल के बाद मुहर्रम का जब महीना आएगा तो मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करते, सफ़र का महीना आएगा सफ़र के महीने में निकाह नहीं करते, निकाह करने से ये सब कुछ नहीं है। चाहे महीना शवाल का हो, ज़िक़ादा का हो, ज़िलहिज्जा का हो, या मुहर्रम का हो, सफ़र का हो, रबीउल अव्वल का हो, रमज़ान का हो, कोई भी महीना हो, अपनी सहूलत के लिहाज से आदमी शादी रखता भी है, शादी करता है और करना चाहिए। रमज़ान के महीने में आम तरीके से निकाह इसलिए नहीं होता कि उस महीने में रोज़े वगैरह की जो लोगों की मशगूलियत होती है तो उसकी वजह से लोग नहीं रखते, किसी और वजह से नहीं। तो ये एक चीज़ है, जैसे होता है कि अभी बच्चों की छुट्टियों का वक्त है, स्कूल कॉलेज जो है अभी छुट्टियों का वक्त है, या बहुत सारे जो है देहातों में जहाँ खेतियाँ होती हैं तो खेत अभी कटा हुआ है तो उनके यहाँ एक वक्त होता है, उस लिहाज से उस मौके पर कसरत से उनके यहाँ शादियाँ होती हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इसका किसी अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है, बस इसलिए कि लोगों को छुट्टियाँ हैं, लोगों के लिए शादी में शिरकत करना, सफ़र करना आसान होगा, उस मुनासिबत से ही इस मौके पर शादी रखी गई। या लड़कियों के लिहाज से भी ये देखा जाता है कि जब शादी की तारीखें तय होती हैं तो ये तारीख में ये बात देखी जाती है कि उनके माहवारी के दिन न हो, जब वो जो है निकाह हो करके रुखसत हो करके अपने शौहर के घर जाएं तो माहवारी के दिन न हो। ये सब चीज़ें जो देखी जाती हैं ये सब सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन इस लिहाज से हम कभी भी तारीख नहीं मुतय्यन कर सकते कि ये कोई शुभ घड़ी है या अशुभ है, या ये महीना शुभ है ये महीना अशुभ है, इस तरह से नहीं। ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। ये तो शव्वाल के महीने के ताल्लुक से भी ये चंद बातें दी, निकाह के ताल्लुक से मैंने आपके सामने पेश की कि शव्वाल के महीने में अगर किसी ने निकाह इसे जो है अकीदे से रखा है कि इसमें निकाह करना कोई शुभ घड़ी है ये इस्लाम के लिहाज से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे भाइयों। पूरे 12 महीने भी शुभ है इस्लाम के लिहाज से, इसमें शुभ और अशुभ का कोई मामला आता ही नहीं है। लेकिन अगर इस मुनासिबत से रखते हैं कि रमज़ान के महीने में चूंकि रोज़े की और दूसरी बात मशगूलियात की वजह से बात जो है निकाह नहीं हो पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो शव्वाल में मौका था रख लिया, या बच्चों की छुट्टियां हैं इसलिए रख लिया निकाह,
या कोई बाहर से रहते थे वो आए हुए हैं घर छुट्टी पे अभी, तो उनकी मौजूदगी में डेट फिक्स कर लिया और निकाह रख लिया। ये सब लिहाज करना अच्छी बात है, रिश्तेदारियों का इसमें लिहाज होता है, लोगों की शिरकत होती है और शिरकत करने वालों की अपनी छुट्टियों का लिहाज किया जाता है, जिसकी वजह से हफ्ता और इतवार को बहुत से लोग शादी रखने के लिए हफ्ता और इतवार का दिन मुतय्यन करते। क्यों करते हैं? उनके यहाँ कोई शुभ अशुभ का मसला नहीं होता, इसलिए कि उस दिन छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन है, तो लोग जो शिरकत करने के लिए आएंगे उनके लिए आसानी होगी और उस दिन बड़ी मुश्किल से उनके लिए जो है शादी हाल वगैरह जो है बुक कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कसरत से शादियाँ होती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों, हफ्ते को रखे, इतवार को रखे, अपनी मसलहत के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से, अपने हालात के लिहाज से, ये सब चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं, लेकिन शुभ और अशुभ के नाम पर नहीं रख सकते। चाहे कोई महीना हो, चाहे कोई तारीख हो, कोई दिन हो, इस अकीदे के साथ नहीं रख सकते, वो सही नहीं है। और अल्लाह का फजल व करम है हमारे इस मुल्क में शव्वाल के महीने के लिहाज से ऐसा कोई अकीदा नहीं है। यानी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शव्वाल के महीने में ही, उनके घर की लड़कियों की जब शादियां होती थी तो शव्वाल के महीने में ही वो कराया करती थी, तो वहां एक खास जो अकीदा पाया जाता था उसको रद्द करने के लिए या उस पर रद्द करने के लिए वो ऐसा करती थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, उस वक्त उसको मुस्तहब कहा जाता है, ये फुकहा की इस्तिलाह में इसे मुस्तहब अमल कहा जाता है, यानी बेहतर अमल है। अगर कहीं ये अकीदा पाया जा रहा हो कि शव्वाल के महीने में निकाह को सही नहीं समझते हैं, अशुभ मानते हैं, तो उस जो है माहौल में खास तरीके से शव्वाल के महीने में निकाह रखें, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम में शुभ और अशुभ का कोई मसला नहीं होता, यहाँ हर घड़ी शुभ घड़ी होती और उस वक्त उसे मुस्तहब माना जाता है। मैं एक मिसाल पेश करता हूं आपको, सॉक्स जो पहने जाते हैं, खुफ अरबी जबान में उस सॉक्स को कहा जाता था जो चमड़े के होते थे उस जमाने में, तो खुफ पर मसह करना ये हदीस से साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉक्स पर, मैं सॉक्स का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो समझने में आपको आसानी होगी, जब वजू करते थे तो सॉक्स पर मसह करते थे। वजू करके सॉक्स पहना है तो उसके बाद जब दोबारा वजू करना होता था तो सॉक्स पर मसह कर लेते थे। हालांकि ये जायज़ है कि आदमी सॉक्स निकाल करके वजू करे और उसको जो है पैर को धोए, ये जायज़ है। अगर हम सॉक्स निकाल करके वजू करें और वजू मुकम्मल तरीके से पैर धोते हुए करें तो इस्लाम में ये मना नहीं है। यानी सॉक्स पर वो जो है मसह करना ये कोई वाजिबी अमल नहीं है इस्लाम में, लेकिन एक रुख्सत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे तो उस वक्त उस सॉक्स को निकालना फिर दोबारा पहनना एक मुश्किल काम होता है, परेशानी हो सकती है, तो शरीयत ने एक आसानी दे रखी है कि अगर वजू की हालत में सॉक्स पहना है तो दोबारा जब वजू कर रहा है तो सॉक्स पर मसह कर सकते हैं। अगर मुकीम यानी अपने वतन में है तो एक दिन और एक रात तक ये गुंजाइश रखी गई है उसके लिए, मुसाफिर है तो तीन दिन और तीन रात तक ये गुंजाइश रखी गई है, तो शरीयत में ये चीज़ ये गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई शख्स अपना सॉक्स निकाल दिया और वजू किया मुकम्मल तरीके से, सॉक्स हालांकि वजू के बाद पहना था लेकिन फिर भी निकाल दिया और वजू किया और अपने पैर को धोया, तो ये हराम नहीं है उसके, ये नहीं है कि ये जायज़ नहीं है। क्यों? उसने पैर धोया, मसह करना ही था लाजमी तौर पर, मसह जो है और सॉक्स को निकालना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। सॉक्स निकालना भी जायज़ और मसह करना भी जायज़, दोनों जो है उसके लिए जायज़ था। लेकिन ये फुकहा ने ये बात लिखी है कि अगर कहीं ऐसा माहौल हो, उस जमाने में बाज जो बिदती फिरके थे उनकी तरफ से ये बात थी कि वो सॉक्स पर मसह करने को जायज़ नहीं समझते थे। खवारिज एक फिरका था, मोतजिला एक फिरका था, तो बाज फिरके ये
शख्स पर मसह करने को जायज़ नहीं समझते थे, उसे मना करते थे। तो फुकहा ने लिखा कि इनके जब इनके दरमियान हो जो उसको जायज़ नहीं समझते हैं तो वहां पर तो शख्स पर मसह करना अफजल है, मुस्तहब है, ताकि ये पता लगे कि शरीयत में ये एक जायज़ अमल है। जो ये लोग मना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं मना करना चाहिए। शरीयत में एक जायज़ अमल है और ये सही अमल है, मना नहीं करना चाहिए। तो ये होते हैं हालात मेरे भाइयों। तो अगर कहीं आदमी ऐसे माहौल में है जैसे अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मैंने जिक्र किया कि जहां कोई शव्वाल के महीने में शादी और निकाह करने को अशुभ मानते हों, अगर कहीं ऐसे माहौल में है तो वहां खास तरीके से उसे शव्वाल के महीने में शादी रखना चाहिए, उसके हक में उसको मुस्तहब कहा जाएगा, बेहतर अमल कहा जाएगा, ताकि लोगों को तालीम हो सके, लोगों को पता चल सके कि देखो इन्होंने तो शव्वाल के महीने में किया, इनको तो कुछ नहीं हुआ, कोई भी मसला नहीं है। खामखा हम लोग जो है ऐसा ध्यान में बैठाए हुए हैं। इसी तरह से अगर कहीं ऐसा कोई अकीदा हो कि मुहर्रम के महीने में निकाह हुआ तो निकाह सही नहीं, या बेबरकती उस निकाह के अंदर होगी, या मुहर्रम का महीना निकाह के लिए मुनासिब नहीं, खुशियों का महीना नहीं, अगर किसी इलाके में ऐसा पाया जाता हो, या सफर के महीने में अगर किसी इलाके में ऐसा है कि वह सफर के महीने को अशुभ मानते हैं और उसमें निकाह को सही नहीं मानते, तो उस इलाके में इस महीने में निकाह करना मुस्तहब करार पाएगा। क्यों मुस्तहब करार पाएगा? कि इसके जरिए से लोगों को तालीम दी जा रही है कि देखो हम तो निकाह करते हैं इस महीने में, हमारे यहां तो निकाह हुआ है लेकिन कुछ नहीं, देखो हमारा निकाह तो बिल्कुल सही है और पूरी बरकत भी है निकाह के अंदर और बहुत अच्छी जिंदगी भी, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो उनको लोगों को एक तालीम होती है, अमल के जरिए से उनको तालीम दी जाती है। तो यही मामला अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी था मेरे भाई। लेकिन कोई ये नहीं समझना चाहिए अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के उस अमल से कि ये बड़ा जो है फजीलत वाला महीना है शादी के लिए, इसलिए अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा करती थी तो हमें भी खास तरीके से इस महीने में ही निकाह रखना चाहिए, ऐसा कोई अकीदा नहीं। यानी ये शुभ और अशुभ वाला मामला ये इस्लाम में नहीं है। जैसे ये अकीदा रखना सही नहीं है कि ये अशुभ नहीं है, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये शुभ है। क्योंकि जब आप कहेंगे कि शुभ है तो इसका मतलब कि दूसरा अशुभ हो जाता है, इसलिए ये कभी तसव्वुर नहीं लाया जाएगा। हर महीने में जब जिस मुनासबत से भी निकाह जिसके यहां भी हो, जिस महीने में भी निकाह पड़ रहा हो, उनके अपने लिहाज से अपनी सहूलत के लिहाज से वो उस महीने में निकाह रख सकते हैं। शव्वाल का महीना ही अगर उनके लिए मुनासिब है, उनके लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर से उनको आना है, या उनके बच्चों की छुट्टियां वगैरह, जो भी सारी चीज़ें जो देखी जाती है निकाह के वक्त में, शादी के वक्त में, उसके लिहाज से जिनके यहाँ भी मुनासिब है वक्त ये शव्वाल का, तो बेहतर है कि उस वक्त निकाह रखे, वरना उसके बाद वाला महीना, उसके बाद वाला महीना, जो महीना भी उनके लिए मुनासिब है उस महीने में वो निकाह रख सकते हैं। ये एक बात थी मेरे भाइयों शव्वाल के महीने को लेकर के। एक दूसरी बात जो करनी है वो निकाह के ताल्लुक से ही। निकाह के ताल्लुक से हमारे पास फोन बहुत आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स आते रहते हैं, हमारे नौजवान भाई बहनों के ये कॉल्स होते हैं। सवालात कुछ इसी अंदाज के होते हैं कि वो निकाह करना चाहते हैं लेकिन घर वाले निकाह करने के लिए अभी राजी नहीं है। ये बड़ा जो है एक मसला है। ये अभी कल ही जो है इस तरह का एक सवाल हमारे सामने आया। हालांकि वो कॉल करने वाले दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते थे, है इंडियन लेकिन दूसरे मुल्क में। सवाल यही होता है कि वो पढ़ रहे हैं अभी और शादी करना चाहते, घर में बच्चा बालिग बच्चा है और हुकूमत के लिहाज से भी जो एज मुतय्यन है शादी के लिए उस एज को भी पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुकूमती निज़ाम की कोई मुखालफत, वैसा भी नहीं है, उस लिहाज से भी वो उस एज को पहुंच चुके हैं।
लेकिन अभी क्या है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तालीमी दौर से बच्चा गुजर रहा है, लेकिन उस बच्चे की ख्वाहिश है निकाह करना। और निकाह करने के लिए उसकी कहीं बात भी हुई, लड़की के ताल्लुक से भी मसला उसका जो है तय भी हुआ, लेकिन घर वाले अभी निकाह करना नहीं चाहते, घर वाले रोक रहे हैं। क्योंकि आम तरीके से हमारे यहां माहौल यही है कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है उसकी शादी के बारे में कोई नहीं सोचता, लड़की पढ़ रही है तो उसकी शादी के बारे में नहीं सोचती। आम तरीके से यही जो है हमारा ज़हन है और यही तसव्वुर है जो हमारे यहां कायम है, और इसी लिहाज से जो है माँ बाप उसके मना कर रहे हैं, जबकि वो शादी का ख्वाहिशमंद है। शरीयत का हुक्म क्या है मैं कहना चाह रहा हूं, ये गलत तसव्वुर ज़हनों में बैठा हुआ है कि जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक निकाह नहीं होगा। ये बड़ा मशहूर जुमला है हमारे यहां मेरे भाइयों, जब भी कोई बात होती है शादी का कोई मामला होता है तो मां बाप की तरफ से यही होता है या जो भी जिम्मेदार है उनकी तरफ से यही कि जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते तब तक निकाह नहीं करेंगे, निकाह से पहले अपने पैर पर खड़े हो जाना। लेकिन लोगों का मामला यह है कि अपने पैर पर खड़े होते होते वो निकाह के काबिल नहीं रह जाते, ये भी सूरत हाल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ही रिज्क का मालिक है और वो जो है कायनात का मालिक है, वो रब है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है। उसने ये बात कही है कि अगर फकीर भी होंगे यकूनु फुकरा फसौफ युग्नीहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिह, कि अगर ये निकाह का इरादा रखने वाले अगर ये फकीर भी होंगे ना, कुछ भी नहीं है इनके पास, तब भी अल्लाह ताला उनको अपने फजल से नवाज देगा। हराम की जिंदगी से बचने के लिए निकाह ये रखा गया है मेरे भाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बड़ी ताकीद करते थे, खास तरीके से नौजवानों को ये कहते थे कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल्बात फलयतज़व्वज, कि नौजवानों जवानों की जमात अगर तुम्हारे पास ताकत है निकाह की तो निकाह करो। निकाह को लेट करना डिले करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मना करते थे। ये जो है कभी उज्र नहीं होता था कि आदमी के पास इतना है कि नहीं, हम निकाह के अंदर गैर जरूरी खर्चे रख करके परेशान होते, जैसा है जितना कुछ भी है पूरी सादगी के साथ निकाह कराओ, निकाह की जिंदगी बसर करेंगे तो हराम से महफूज रहेंगे। वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फइन्नहु अग़द्दु लिल्बसरी व अहसनु लिल्फ़रजी, कि निकाह से निगाहें नीची हो जाती हैं, शर्मगाहों की हिफाजत होती है। अगर शर्मगाहों की हिफाजत चाहते हो, हराम की जिंदगी से बचना चाहते हो तो निकाह करो, निकाह करो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। लेकिन हम खामखा अपनी तरफ से हमारे बहुत सारे अरमान होते हैं, खास तरीके से ख्वातीन के अरमान होते हैं, उन्हें अपने अरमान पूरा करने का इतना ख्याल होता है कि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र का उन्हें ख्याल नहीं रहता। उम्र ज्यादा हो रही है और बच्चा ख्वाहिश भी कर रहा है शादी के लिए, रिश्ता भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ रहा है अभी उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है। सवाल यही है कि क्या हम खुद शादी कर लें? अगर बच्चे ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं खुद शादी करने का तो घर वाले नाराज होते कि हमारी शिरकत के बगैर शादी की, सारे सवालात आते हैं मेरे भाई, सारे मसाइल आते हैं, तो हमने क्यों अपने आप को इस तरह के किसी खोल में बंद करके रखा है? इस्लाम ने इसको आसान रखा है, आजाद रखा है और आसान रखा है, तो हमें भी उसी के लिहाज से जब जिसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आ जाए और रिश्ते की उम्र हो चुकी हो, कानूनी लिहाज से जो एज जो उम्र
जो हुकूमत ने मुतय्यन कर रखी है उसके लिहाज से जब वो उम्र हो जाती है और मुनासिब रिश्ता भी है तो फिर ताखीर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकुहु फज़व्वजूहु इन लम तफ़अलू तकुन फितनतुन व फसादुन कबीर। कि जब भी तुम्हारे पास कोई रिश्ता ऐसा आता है, ये लड़कियों के जिम्मेदारों को मुखातब करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है, जो वली होते हैं, क्योंकि लड़की का निकाह वली जब इजाजत देता है तभी वो निकाह होता है, तो कहा लड़कियों के औलिया से कि जब कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है जो रिश्ता दीनदार भी है, शख्स वो दीनदार भी है, बाखलाक भी है, तो शादी कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बड़ा फितना होगा, बड़ा फसाद होगा, फिर शादी में ताखीर मत करो। ताखीर करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये जो है सोच करके कि नहीं हमारे पास गुंजाइश नहीं है, या कोई लड़का ये सोचे या लड़के के घर वाले सोचे कि अभी निकाह कर देंगे तो फिर कहाँ से खिलाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पिलाएंगे, उसे कहाँ रखेंगे, तो ये सब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ को भी जायज़ रखा गया था कि कोई खातून अगर आए और वो खुद ख्वाहिश करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह की, उसको हिबा करना कहते थे, यानी वो आकर के अपने आप को हिबा कर दे रही है, तो आप चाहें तो उससे निकाह कर सकते हैं, ये आपके लिए चीज़ को जायज़ रखा गया था। एक खातून ने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने अपने आप को हिबा किया कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए। देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को, फिर आपने सर झुका लिया, जो एक तरह से इशारा था कि आप निकाह की अभी ख्वाहिश नहीं रखते, आप निकाह करना नहीं चाहते। एक सहाबी वहां मौजूद जो है सहाबा में से एक सहाबी, उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली, वो समझ गए कि आप निकाह करने की ख्वाहिश अभी नहीं रखते हैं। तो आपने सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, अगर आप निकाह करना नहीं चाहते तो इस औरत से मेरा निकाह करा दीजिए, इस औरत से मेरी शादी करा दीजिए। तो वो जो है आज वो सहाबी शादी के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना पूछा कि महर में क्या दोगे, महर देने का मामला, क्योंकि महर जो है ये निकाह में शौहर को महर देना होता है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास जो चादर है, जो पहने हुए थे चादर, वो चादर ही उस जमाने में लोग जो है उसी को बांध लिया करते थे, यही उनका लिबास हुआ करता था। तो जो गरीब मिस्कीन होते थे तो उनकी तो बिल्कुल यही कैफियत होती थी, ये इंतहाई गरीब मिस्कीन शख्स थे। इतने गरीब मिस्कीन मेरे भाइयों आज की जिंदगी में आप पूरी दुनिया में भी चिराग लेकर के ढूंढेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। इतने गरीब मिस्कीन सिर्फ एक चादर नीचे बांधे हुए थे। कहा कि बस यही चादर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। निकाह करने के लिए वो ख्वाहिशमंद है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों एक चादर थी, वही जिस चादर भी वो बांधे हुए थे उससे अपनी शतर को छुपाए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये दे दोगे तुम महर में औरत को, तब तो तुम्हारे पास कपड़ा नहीं, घर में बैठना पड़ जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए अपने सतर को छुपाना जरूरी होता है, यानी शर्मगाह को छुपाना जरूरी होता है। तो कहा कि इसके अलावा देखो कुछ जो है कहीं भी तुम्हारे घर में, चाहे एक जो है लोहे की अंगूठी ही जो है हो, कुछ भी घर के अंदर मिल जाए तो लेकर के आओ, मैं तुम्हारा निकाह करा देता हूं। बस ये कहने का मकसद है मेरे भाइयों कि एक आदमी के पास कुछ नहीं है, इससे ज्यादा गरीब
आज की जिंदगी में मेरे भाइयों आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि कोई शख्स इससे भी ज्यादा गरीब हो। एक ऐसे शख्स का निकाह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया। उस मजलिस में वो निकाह हुआ मेरे भाइयों, उस सहाबी से आपने निकाह करा दिया। ये नहीं कभी पूछा कि तुम खिलाओगे क्या, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम क्या खिलाओगे इसे, कैसे रखोगे इसे। जो खुद खाएगा वही खिलाएगा, कमाएगा रोज जाएगा कमाएगा, जो कमाएगा जो जो है लेकर के आएगा वो खुद भी खाएगा उसको भी खिलाएगा। ये चीज जो है मारूफ है, इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। या घर वाले ये सोचे कि जब तक बच्चा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता हम उसका निकाह नहीं कराएंगे, तो ऐसा नहीं। जहां निकाह की जरूरत है निकाह करने में ताखिर नहीं करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश होनी चाहिए। लेकिन रिश्तों को तलाश करने का मेयार भी इतना ऊंचा नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से भी खामखा रिश्ता होने में या निकाह होने में ताखीर हो। सादगी से साथ जितनी जल्दी निकाह कर सकते हो वो कोशिश करनी चाहिए कि निकाह कर लें। इसी पर आज का खुतबा ख़त्म करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मोमिनीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूर रहीम वरब्बुल आलमीन।